अस्सलाम वालेकुम। नो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लैब एक्टिविटी। क्वेश्चन है राइट आ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इंप्लीमेंटिंग आ क्लास विद द नेम टाइम। दिस क्लास शुड हैव अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द टाइम आवर्स मिनट एंड सेकंड इनिशियली टू जीरो। द क्लास शुड हैव अनदर फंक्शन नेम टू सेकंड टू कन्वर्ट एंड डिस्प्ले द टाइम पास बाय द ऑब्जेक्ट इन टू सेकेंड्स। ठीक है, इस क्लास के दो फंक्शंस होंगे। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैब एक्टिविटी। दिस इज पेज 173 एंड दिस प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो नो लेट एक्सप्लेन इट ऑन दी बोर्ड। ठीक है, क्लास नेम टाइम। देयर आर थ्री डेटा मेंबर ऑफ द क्लास, आवर मिनट H, M एंड S। पब्लिक स्पेसिफायर टाइम इज द फंक्शन, टाइम इज द मेंबर फंक्शन। ठीक है, और इसकी जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक है, क्योंकि ये वो मेंबर फंक्शन है जो के कंस्ट्रक्टर है। इसका वही नाम है जो कि क्लास का नाम। ठीक है, टाइम क्या कह रहा है कि जो थ्री वैल्यूज इसको, जो आवर मिनट सेकंड, इन तीनों को, जो तीन इसके डाटा मेंबर है, थ्री वेरिएबल है, इन तीनों को जीरो इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, इन तीनों को इनिशियलाइज कर रहा है, जो इनिशियल वैल्यू दे रहा है वो इन तीनों को इनिशियलाइज टू जीरो, इन तीनों की वैल्यू जीरो कर रहा है। यानी जब भी हम टाइम का फंक्शन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आवर मिनट और सेकेंड तीनों की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है सेट टाइम। फर्स्ट फंक्शन इज कंस्ट्रक्टर, सेकेंड इज सेट टाइम मेंबर फंक्शन। अब मेंबर फंक्शन, देयर आर थ्री पैरामीटर्स, इंटीजर एच एच, इंटीजर एम एम, इंटीजर एस एस, और तीनों पैरामीटर्स की, फर्स्ट ये पैरामीटर, सेकंड ये, तीनों पैरामीटर की जो डेटा टाइप इंटीजर है। अब तीनों पैरामीटर्स क्या करें कि इनको जो भी, जब भी फंक्शन कॉल होगा, इनको जो भी वैल्यू पास हो रही है, ठीक है, ये उस वैल्यू को डेटा मेंबर्स को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इस पैरामीटर की वैल्यू एच को साइन हो रही है, इस पैरामीटर की वैल्यू एम को साइन हो रही है, इस पैरामीटर की वैल्यू एस को साइन हो रही है। ठीक है, और जहां पर जो है ये फंक्शन यहां पे क्लोज आ रहा है। नेक्स्ट अनदर फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन इसलिए बनाया है कि जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ये उन तमाम वैल्यू को सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब हमने एक सेकंड की डेटा टाइप ली है, और इसकी जो हमने जो इसकी डेटा टाइप है, जो इसका वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो लॉन्ग है। ठीक है, इंटीजर डबल लॉन्ग। लॉन्ग तब यूज होता है कि जब इंटीजर में हमारे पास चांसेस हो कि बड़ी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, लॉन्ग इज बेसिकली इंटीजर। इंटीजर भी हम ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, लॉन्ग भी, लेकिन लॉन्ग वहाँ भी लेते हैं जहाँ पर हमारे पास लार्ज वैल्यू का चांसेस होती है। अब ये फार्मूला है, ये क्या करेगा कि हम इसको जो भी वैल्यू आ रही है ये इसको कन्वर्ट कर देगा सेकंड में। इसके अंदर हम जो भी वैल्यू पास करेंगे इस फंक्शन को, ठीक है, ये अब ये क्या कर देगा कि मिनट को मल्टीप्लाई करेगा 60 से, आवर को मल्टीप्लाई करेगा 3600 से, और सेकंड ऐड करके ये उस पूरी वैल्यू को सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और उसी टाइम के करस्पॉन्डिंग, उसी टाइम के इक्वल उसका टोटल सेकंड भी डिस्प्ले हो जाएगा। ये, अब जहां पर क्लास खत्म हो रही है, ये एंड ऑफ दी क्लास है। अब दोबारा देखने, इस क्लास में तीन फंक्शन है, एक टाइम का फंक्शन है जो कि कंस्ट्रक्टर भी है, सेकंड सेट टाइम का फंक्शन है जो कि टाइम को सेट कर रहा और डेटा मेंबर्स वैल्यू को साइन कर रहा, थर्ड फंक्शन टू सेकंड का जो क्या करेगा कि इसको जो टाइम की वैल्यू पास होगी उसको सेकंड में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर देगा। नाउ लेट्स सी द मेन प्रोग्राम। अब मेन, व्हाट इज डूइंग मेन प्रोग्राम। टाइम X is the object, object creation, time class, यहाँ पे इसकी डेटा टाइप है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट खुद बहुत कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। ठीक है, तो what will be happen when constructor is called? जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इन तीनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी अब H में भी जीरो, M में भी जीरो और S में भी जीरो। नेक्स्ट देखें, X dot set time। अब मेंबर फंक्शन कॉल हो रहा है, और अब मेंबर फंक्शन जब कॉल होगा तो इसकी जो पैरामीटर वो थ्री है, तो यहाँ पे हमने थ्री वैल्यू दिए, एक वन दिए, एक फाइव दिए, 45। वन वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी एच एच में आवर्स के लिए, फाइव ट्रांसफर हो जाएगी एम एम में मिनट्स के लिए, 45 ट्रांसफर हो जाएगी एस एस में सेकंड के लिए। ठीक है,
अब ये तीनों वैल्यू इसी तरह सीक्वेंस से एच एच असाइन हो जाएगी एच को जो कि डाटा मेम्बर है, एम असाइन हो जाएगी एम को जो डाटा मेम्बर है, एस एस असाइन हो जाएगी एस को, ठीक है। जब ये फंक्शन कॉल होगा ये तीनों वैल्यू डाटा मेम्बर को साइन हो चुकी होंगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टू सेकेंड, अब ये सेकेंड का फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो वैल्यूज इसमें, ठीक है, एस में, अब सबसे पहले वन वन वैल्यू थी आवर्स में, इसमें वन आ जाएगी, वन मल्टीप्लाई 3600, ठीक है। एम में फाइव थी, फाइव मल्टीप्लाई 60 प्लस एस में वन। अब ये इस फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेट होके इसका इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, लेट सी दी आउटपुट। इसकी आउटपुट आ जाएगी, वन आवर फाइव मिनट 45 सेकंड एंड टोटल सेकंड इज 395। दिस शो वन आवर फाइव मिनट 45 सेकंड जो यूजर ने वैल्यू पास की है, ठीक है। और जब टू सेकंड का फंक्शन कॉल होगा तो ये इस वैल्यू इस फार्मूले के मुताबिक ये सेकंड को कैलकुलेट करके हमारे पास नेट ये सिर्फ सेकंड शो कर रहा है, ये सेकंड हमारे पास डिस्प्ले कर देगा। ओके क्लियर है, दोबारा देखें ब्रीफली। क्लास टाइम इज द डाटा टाइप, क्लास टाइम इज द क्लास। इसके तीन डाटा मेंबर्स हैं, आवर्स एम एच एम और एस, दीज आर वेरिएबल्स। और पब्लिक स्पेसिफायर है, फर्स्ट फंक्शन टाइम का है जो कि क्लास नेम भी, इसलिए फर्स्ट फंक्शन इज कंस्ट्रक्टर। सेकंड फंक्शन सेट टाइम का मेंबर फंक्शन, थर्ड फंक्शन इज टू सेकंड, ठीक है, इट इज ऑल्सो मेंबर फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एच एम एस तीनों वैल्यू को जीरो कर रहा है, सेकंड फंक्शन वैल्यू साइन कर रहा है और थर्ड उस पूरी वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा है सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे क्लास क्लोज हो रही है, ये ब्रैकेट सेमी कॉलन, यहाँ पे एंड ऑफ द क्लास। यहाँ पे ये मेन प्रोग्राम में हमने टाइम इज द क्लास नेम ऑफ द क्लास, एक्स इज द ऑब्जेक्ट, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये इसके कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा और तीनों वैल्यू जो है वो एच एम एस जीरो हो जाएगी। उसके बाद सेट टाइम दूसरा फंक्शन कॉल होगा तो तीनों डाटा मेंबर्स को जो तीन वैल्यू जो यूजर दे रहा है 15 और 45 की तीन वैल्यूज असाइन हो जाएगी, ठीक है। और जब ये थर्ड फंक्शन कॉल होगा टू सेकंड का, ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें पास होंगी और इसमें रिजल्ट कैलकुलेट होकर आएगा और सबसे आउटपुट ये आ जाएगी, लिखा जाएगा टाइम इज वन आवर फाइव मिनट 45 सेकंड और उसके बाद टोटल सेकंड कैलकुलेट होकर जो है सेकंड में जो वैल्यू 3945 जो है ये रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है, एनी डिफिकल्टीज regarding this program you can ask me in the comments, okay? and remember students that you have to practice this program again and again on paper because this program is very important according to the board point of view. Thank you ji, Allah Hafiz.